अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 51। आज के इस लेसन में हम एडवर्टाइजमेंट बैनर डिज़ाइन करेंगे कि जब भी आप ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू या कहीं पे भी कोई भी आप पंफलेट डिज़ाइन या कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाहें तो उसके लिए आप बैनर किस तरह डिज़ाइन करेंगे। तो बेसिकली मैं ऑनलाइन में इंटरनेट के लिए जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कोई भी एड्स वगैरह लगाते हैं, तो उसके जो बैनर्स होते हैं मैं वो डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं फोटोशॉप ओपन करूंगा। फोटोशॉप ओपन किया और बेसिकली बैनर्स के मुख्तलिफ जो होते हैं साइजेस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के साइज होते हैं बैनर के, क्योंकि पूरा पेज के ऊपर आप कुछ कुछ साइज होते हैं जो आप बैनर बना सकते हो, उसके कुछ साइज होते हैं। तो साइजेस मैंने यहाँ से ये गूगल इमेज में जाके मैंने सर्च किए, तो साइज हमारे पास ये मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, ये देख सकते हैं मुख्तलिफ साइज होते हैं बैनर्स के जो एड्स वगैरह लगे हुए होते हैं साइडों पे। तो अब ये जो हमारे पास साइज हैं, अब इनमें हमारे पास जो है ना, ये अब बैनर के साइज में ये वाला यूज़ करूंगा, पॉप 100 यूज़ करूंगा, 720x300 पिक्सल वाला मैं यूज़ करूंगा, ये इंचज में होते हैं बेसिकली। तो मैं इसको फोटोशॉप में जाके फाइल न्यू करता हूँ, इंचज यहाँ से सिलेक्ट करें 721, पिक्सल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो पिक्सल आप बेशक कर लें 720। और हाइट इसकी कितनी है जी, 300। रेजोल्यूशन इसकी 300 कर लें, रेजोल्यूशन कर लें और वाइट बैकग्राउंड लें और ओके कर लें। ओके, अब इसमें मैं कलर फिल करता हूँ। बेसिकली मैं इसके बैक साइड पे जो कलर फिल करूँगा वो मैं ब्लैक कलर से फिल करता हूँ। कलर फिल किया, अब कलर फिल करने के बाद मैं यहाँ से एक न्यू लेयर बनाऊँगा और डायरेक्ट एंगल लूँगा, स्नैप और यहाँ से यहाँ तक एक मैं रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा मूव कर लें ताकि वो बराबर आ जाए। और इसके अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ जी, बेसिकली मैं इसके अंदर कलर फिल जो करता हूँ वो मैं करूँगा जी वाइट कलर ही फिल कर देता हूँ। ऑल्ट बैकस्पेस, कलर फिल किया और इसको थोड़ा सा आप मूव कर लें ताकि एक्यूरेट सही लगा हुआ नजर आए। ओके, अब कलर फिल करने के बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर फिल कलर देता हूँ, येलो कलर देता हूँ, ऑल्ट बैकस्पेस, येलो कलर दे दें, ओके कंट्रोल डी करके डिसलेक्ट, या फिर आप यहाँ से जो मैंने काम किया है फिल कलर जो इसके अंदर दिया हुआ है उसमें येलो ही देता हूँ, कंट्रोल डी डिसलेक्ट। ओके, हम यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि ये जो मैंने येलो कलर दिया हुआ है इसको मैं यहाँ से इस बटन पे क्लिक करता हूँ और इसे ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ और स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ, स्ट्रोक का कलर रखता हूँ वाइट। ओके, और इसको मैं रखता हूँ जी आउटसाइड इनसाइड, बल्कि आउटसाइड और आउटसाइड से बढ़ाता हूँ। आउटसाइड से नहीं बढ़ेगा क्योंकि कंट्रोल जेड, कलर हमने जो फिल किया इसे पहले वाइट ही रहने दें। ओके, फिर आप नई लेयर लें, इसके अंदर कलर फिल कर दें जी येलो। ओके,
अब मैं इस लेयर के ऊपर जब काम करूँगा तो मैं इसको स्ट्रोक फिल करूँगा इसमें, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊँगा और स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा। स्ट्रोक का कलर मैं दूंगा वाइट। स्ट्रोक का कलर अब बढ़ाएं साइज, तो यहाँ से देखें बढ़ रहा है। स्ट्रोक अब दें जी एन साइट। देखिए एन साइट में वो स्ट्रोक बढ़ रहा है। ओके, कंट्रोल टी करके डिसले कर देता हूँ। जो ये वाला बैकग्राउंड लिया था, इस बैकग्राउंड को मैं थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी में कम करता हूँ। ओके, ये 100 ही कर लें, सही। अब यहाँ पे मैं फाइल में जाता हूँ ओपन। कुछ मैंने टेक्सचर डाउनलोड किए थे, मैं वो टेक्सचर इस पर अप्लाई करता हूँ। टेक्सचर जो आप देंगे सबसे ऊपर रखेंगे आप, इसको उठा के नीचे लाएं। स्लेयर को डिलीट कर दें। क्योंकि आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और अब यहाँ पे आप ओपन करें, फाइल ओपन और टेक्सचर। साइज बहुत बड़ा, इसका कंट्रोल टी करें और साइज का कम करें। इसको यहाँ पे एडजस्ट करें, कंट्रोल टी, थोड़ा सा इसको नीचे लें। ओके, अब इसको आगे ले आए। कंट्रोल टी, ओके ओके, यहाँ पे लाने के बाद ओके और इसको आप कर लें। यहाँ पे जाके आप इसे करें जी अवर्ड लें। इसके ऊपर देखिए इफेक्ट अप्लाई हो गया, देख सकते हैं अवर्ड ले में फिल कलर ठीक है, सारे कलर ठीक है, तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया। यहाँ पे जाएं स्ट्रोक ऑप्शन में जाएं, लेयर बेंडिंग ऑप्शन में जाएं और बेवल पे क्लिक करें और यहाँ से इसकी डेप्थ बढ़ा दें, साइज। ओके, अब ये काम करने के बाद मैं यहाँ पे और भी काम करूँगा। वो क्या काम है जी, मैं यहाँ से एक शेप लूँगा, रेक्टेंगुलर शेप लूँ और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, इसको उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे रखता हूँ। इसका फिल कलर जो देता हूँ मैं इसको, वो मैं कलर इसको दूँगा यहाँ से जी ये वाला कलर देता हूँ, ये वाला कलर दे दिया इसको मैंने। ऑल्ट बैकस्पेस, ओके, राइट क्लिक करता हूँ इस पर, आप इसे कंट्रोल टी करता हूँ। इसके लिए मैं स्केल्स का यूज़ करूँगा, स्केल को यूज़ करूँगा मैं। इसके लिए मैं साइज बढ़ाता हूँ इसका। ओके, इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ और कंट्रोल टी।
अब मैं स्केल जो यूज़ करूँगा उस स्केल को मैं यहाँ से राइट क्लिक करें, इसको आप उठाएं, उठा के आप मूव करके इसको यहाँ पे रखें, ये ले, इसको उठाएं राइट, यहाँ पे आप जाके यहाँ पे करें डिस्टॉर्ट पे क्लिक करें और इसको उठा के आप बिल्कुल यहाँ पे रखें। बल्कि इसको उठाएं नीचे ले आए, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको उठाएं, उठा के इसको यहाँ पे रखें बिल्कुल, और इसको उठा के आप यहाँ से यहाँ पे रखते हैं। बल्कि इसको आप यहाँ पे रखें और इसको उठाएं, उठा के यहाँ पे एक्यूरेट एडजस्ट कर लें। सही है, इसी तरह इसको उठा उठा के आप यहाँ पे एडजस्ट करें और दूसरे इसको उठा के आप यहाँ पे थोड़ा सा फासला रख के इसको आप यहाँ से बाहर की तरफ ले जाएं। इसको आप यहाँ से यहाँ पे रखें और इसको उठा के आप यहाँ से बाहर की तरफ ले जाएं। ओके, यहाँ पे इसको एडजस्ट करता हूँ। कंट्रोल टी, व्यू में जाता हूँ और रूलर तो है बेसिकली, व्यू रूलर, रूलर की सेटिंग्स कहाँ से जाएंगे जी? आई थिंक ओके, कंट्रोल टी, स्केल, कंट्रोल टी, जो पर्सपेक्टिव है, रोटेट है, स्केल, चलो ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं चाहता हूँ कि ये जी हमारे पास ऐसा लगे कि रोटेट हो रहा है, ये बस यहाँ पे इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कुछ भी लिखना है आप लिखें, सिंपल से मैं कुछ टेक्निक्स यूज़ करके मैं यहाँ पे यहाँ पे लिखता हूँ जी, और राइटिंग कलर रखता हूँ जी मैं यहाँ से वाइट, यहाँ
यहाँ पे लिखता हूँ जी गेट फ्री, कैप्स लॉक, लर्न फोटोशॉप, ओनली 500। ओके, सारे को सिलेक्ट करें, साइज कम कर दें, सारे को मैं कंट्रोल टी करता हूँ, कंट्रोल टी, ओके कंट्रोल टी, टेक्स्ट को नहीं कंट्रोल टी डिसलेक्ट। ओके, यहां से शेप को सिलेक्ट करता हूँ और शो करता हूँ कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, शेप थोड़ी सी खराब हो गई मुझसे। शेप को मैं दोबारा यहां से डिलीट करता हूँ, शेप दोबारा लेता हूँ, कंट्रोल टी, क्यू ये करता हूँ और यहाँ से इसको मैं मूव करता हूँ। बल्कि आप कंट्रोल जेड करें, पहले मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ, स्केल साइज बढ़ा दिया मैंने, ओके। अब मैं यहाँ से इस पे काम करता हूँ, जिसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसे डिस्ट्रॉय करता हूँ और यहाँ से इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, दूसरे को मैं रखता हूँ जो यहाँ से 1 2
जब मैं देखें यहाँ से जब मैं मूव कर रहा हूँ तो आपको ऊपर स्केल में एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही होगी, तो मैं उसको देख के इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके ओके अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसमें मैं एक लाइन लेता हूँ फॉर एग्जांपल, सॉरी लाइन ली मैंने, कंट्रोल जेड, टेक्स्ट सेलेक्ट करो, कंट्रोल टी, ओके फाइल में जाता हूँ, ओपन करता हूँ फाइल, डेस्कटॉप पे मेरी एक फाइल बनी हुई है, मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई हुई है, उसको मैं उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, सॉरी कंट्रोल जेड, ये मैंने एक फाइल बनाई है, इस फाइल को मैं यहाँ से मर्ज करता हूँ और इसको उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, कंट्रोल टी, आ गया, कंट्रोल टी करता हूँ उसको, थोड़ा और बढ़ाता हूँ मैं, ओके यहाँ पे मैं एक और लेयर बनाऊंगा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा, फोटोशॉप ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल्स, ओके यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, कलर्स को बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं आप, और भी जो करना चाहे करना कर सकते हैं, तो मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, इस पे मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप शेडो ओके ड्रॉप शेडो ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ, डिस्टेंस भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, साइज ओके, इसी तरह मैं इनको रैपर सीरीज को सिलेक्ट करता हूँ, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसे बैंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ और ड्रॉप शेडो, इसे मैं शेडो फैक्टर अप्लाई करता हूँ, डिस्टेंस इसको मूव करता हूँ यहाँ से, ओपेसिटी सी थोड़ी सी कम करता हूँ,
ओके अब यहाँ पे जी मैं टेक्स्ट के ऊपर काम करता हूँ जी, इसमें पेंडिंग ऑप्शन इसे मैं करता हूँ जी पेवल, और बेवल एम्बोस करता हूँ, डेप्थ इसकी बढ़ाता हूँ मैं, साइज बढ़ाता हूँ। ओके कलर ग्रेडियंट सही है, ड्रॉप शेडो की ओपेसिटी कम करता हूँ यहाँ से, अब मैं और भी इस पर और भी काम करूँगा। यहाँ पे क्या काम करना है, मैं टैक्सी लेता हूँ, यहाँ पे आप जो भी चीज़ लिखना चाहो आप लिख सकते हो, लर्न फोटोशॉप फोटोशॉप 7.0, साइज कम कर दें इसका 6 कर दें, वर्क ऑन या फुल डीवीडी डीवीडीज फॉर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट PSD files, brushes, etc. मैं वैसे डेमी टेक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस टेक्स का कोई मतलब कोई मकसद नहीं है, मैं सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ इसको, साइज इसका थोड़ा और कम करता हूँ, यहाँ से अब साइज कम कर दें इसका जी, कंट्रोल टी करके, कंट्रोल टी करें साइज कम पिस कर दें, और यहाँ पे इस पर भी इफेक्ट अप्लाई कर दें जी। इस पर इफेक्ट अप्लाई पेंडिंग ऑप्शन ड्रॉप शेडो ओपेसिटी कम करता हूँ, डिस्टेंस कम करता हूँ, बेवर एम्बोस डेप्थ बढ़ाता हूँ, साइज बढ़ाता हूँ, सॉफ्ट स्ट्रोक कलर वाइट और आउट इनसाइट सेंटर कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, काउंटर टेक्सचर इनर ग्रो कलर ओके ये भी आ गया जी हमारे पास। अब मैं इस यहाँ पे जी और भी जो चीज़ लेनी है वो भी आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक और इफेक्ट देता हूँ इस पर, ऑल्ट बैकस्पेस कंट्रोल डी डिसलेक्ट कंट्रोल डी ट्रांसपेरेंट ओके राइट क्लिक पेंडिंग ऑप्शन पेवर एनिमोस
ड्रॉप शेडो स्टिक कम करता हूँ, डिस्टेंस यहाँ पे, टेक्स्ट ऑर्डर नाउ, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करूंगा, हटाना, और इसे मैं करूँगा यहाँ से बोल्ट और यहाँ से स्ट्रॉन्ग, ठोंग उठा के इसे यहाँ पे रखूँगा। इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप स्टाइल्स में जाके भी कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ से इसे नॉर्मली करता हूँ और यहाँ से जाता हूँ ब्रेंडिंग ऑप्शन में जाके, यहाँ से इसे ड्रॉप शेडो इनर शेडो कलर वाइट, ओके तो हमारे पास एक कार्ड तैयार हो गया। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा है जी लर्न फोटोशॉप इन ओनली 500, आपने साइड हमारे पे डिप्लोमा ऑनलाइन डॉट पी के, लेकिन बेसिकली हम यहाँ हम सेल नहीं करते, हम ऑनलाइन ही ट्यूटोरियल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, आप ऑनलाइन ही देख सकते हैं। तो एक ऐसे मैंने बैनर से डिज़ाइन किया, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी ऑर्डर नाउ www.diplomaonline.pk। तो हमारा एक देखें तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।